हेलो एवन, सो मैं सोच रहा था कि मैं सिक्योरिटी की शिफ्ट लगा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं आपको सिक्योरिटी के प्रोसीजर के बारे में बता दूँ कि आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस कैसे ले सकते हो। तो अभी मैं शिफ्ट के बाद घर जाऊँगा, घर जाके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? ओके, सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो मेरी कल सिक्योरिटी की शिफ्ट थी, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि सिक्योरिटी के लिए आप कैसे करें, ठीक है? सबसे पहले आपको सेवरल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं और उसको आप लिख लीजिए या मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आई लव यू ऑल। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए और मैं लाइव थोड़े दिनों में आऊँगा और आप जरूर बताइएगा कि कब लाइव आऊँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी के लाइसेंस जरूरी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बंदा नया नया आता है कैनेडा में, तो उसके पास रेफरेंस की, अगर रेफरेंस होगा तो जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जो सिक्योरिटी की जॉब होती है, फॉर एग्जांपल अगर 1000 रिज्यूम्स पड़े हैं, उसमें से अगर आपके पास सिक्योरिटी की जॉब होगी, आपका जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस नहीं होगा, बट आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस होगा। तो मेरे हिसाब से आपको सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनाना चाहिए। इसकी टोटल कॉस्ट है $300। तो मैं जब आया था तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवा लिया था, तो अब मुझे शिफ्ट मिलनी स्टार्ट हो गई है। ब्रैंडफोर्ड और स्टैंडफोर्ड शिफ्ट्स मिल जाती हैं। आपको एजेंसीज में रजिस्टर कराना होता है, तो एजेंसीज में अगर आप रजिस्टर कराओगे तो आपको इजीली शिफ्ट्स मिल जाएंगी 8 घंटे की, 10 घंटे की सिन पे, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका आपको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन काम करना पड़ेगा। सिन पे आप हफ्ते में 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, और 20 आवर्स काम करने से आपका खर्चा भी निकल जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक कोर्स खरीदना पड़ता है। कोर्स एक ऐसी वेबसाइट होती है सिक्योरिटी की, जैसे मैंने जहाँ से रजिस्टर कराया था वो था शील्ड सिक्योरिटी। तो शील्ड सिक्योरिटी से मैंने रजिस्टर कराया था ऑनलाइन और मैंने पे किए थे $152। $152 करने के बाद आपको 40 आवर्स का कोर्स करना पड़ता है। 40 आवर्स क्या होता है कि आपको एक लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा। लैपटॉप ओपन करने के बाद, जब आप लैपटॉप ओपन कर लोगे, उसमें कोर्स उनके एक लॉगिन आईडी पोर्टल आपका बन जाएगा। आपने बस 40 आवर स्पेंड करने हैं। 40 आवर कैसे स्पेंड कर सकते हो, मैंने कैसे किया था, जैसे मैंने लैपटॉप ओपन करके छोड़ दिया था तो 5 डेज में 40 आवर्स कंप्लीट हो गए थे। तो आपको कोर्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, फिर आपका CPR ट्रेनिंग होती है। CPR एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में किसी बंदे की जान कैसे बचा सकते हैं, उसे फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, ठीक है? CPR ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होती है वो $80 होती है, वो आप पहले ही पे कर चुके होते हो $150 के अंदर, ठीक है? जब आप CPR की ट्रेनिंग ले लेते हो, CPR की ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, CPR की ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट होता है फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके साथ होता गया कि आप TCN नंबर ले सकते हो। TCN नंबर होता है ट्रेनिंग कम्प्लीशन नंबर। ट्रेनिंग कम्प्लीशन नंबर मतलब एक इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वो नंबर है, इट मीन्स आपने वो कोर्स कर लिया है। कोर्स करने के बाद आप अपना पेपर बुक करते हो, उसकी फीस होती है $80। पेपर बहुत इजी होता है और उसमें 60% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, ठीक है? बहुत इजी होता है और उसको पढ़ने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत लोगों ने बोला था कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हैं। हाँ, जॉब्स हैं सिक्योरिटी गार्ड की। इसमें आपको सिर्फ खड़े होना पड़ता है और ज़्यादा हैंडवर्क नहीं है। जैसे मैंने प्रोडिजी की शिफ्ट लगाई, फैक्ट्रीज में शिफ्ट लगाई है, तो उसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। उसमें बॉक्सेस को पैक करना है, बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बस सिक्योरिटी गार्ड में आपको शिफ्ट्स मिलते हैं, उसमें आपको खड़े रहना है, आपको कुछ करना नहीं, बट खड़े रहना भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो उन चीज़ों को छोड़ो, आपको ट्रेनिंग कम्प्लीशन नंबर मिल गया, आपने पेपर बुक कर लिया, आपने पेपर पास भी कर लिया, आपको रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप ओंटारियो सिक्योरिटी के वेबसाइट पर जाके लाइसेंस अप्लाई करोगे, हार्ड कॉपी लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको प्रोसीजर बता देंगे कि कैसे अप्लाई करना है। बस आपने फॉर्म फिल करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ रह रहे हो, ताकि आपका वो हार्ड कॉपी का लाइसेंस आपके पास आ जाए। तो हार्ड कॉपी का लाइसेंस इट अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम लेता है हार्ड कॉपी का, 15 to 20 डेज। आपके पास सॉफ्ट कॉपी अगर आ जाए ना, सॉफ्ट कॉपी पे आप काम कर सकते हो।
तो गाइस ये है मेरी वीडियो रिगार्डिंग सिक्योरिटी शिफ्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रियांशु व्लॉग्स को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बहुत सपोर्ट कर रहे हो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और जो लोग आ रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट, मुझसे जरूर कैंपस में जरूर मिल लिया करो यार। स्टोरी में आप बता रहे थे कि ये देखो प्रियांशु को देखा, बट अब मिल लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा मिलके। ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।